GATT, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेफिस एंड ट्रेड। इसको हिंदी में शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 1947 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता कोटा टैरिफ और सब्सिडी को समाप्त या कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने वाली एक संधि है। इसको उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से फुल फॉर्म को सीख गए होंगे। ऐसे ही फुल फॉर्म को सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के होम पेज पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।